दिमाग प्योरीफाई हो जाता है। कर्म वही हैं, घर वही है, गृहस्थी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ तुम्हारी सोच फर्क हो गई। अहंकार चला गया, इच्छा चली गई, ईश्वर में ईमान आ गया, तो शांति हो जाती है। एक्चुअली देखा जाए तो बाहर किसी कारण से थोड़ी परेशानी है, ख्यालों की हलचल है ना। दादाजी बोलते थे अंदर मन गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए शांत स्वरूप अनुभव में नहीं आता है। जब मन की गड़बड़ खत्म हो जाती है तो अपना शांत स्वरूप अनुभव में आने लगता है। है तो पहले से ही शांत स्वरूप, लेकिन अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मन गड़बड़ कर रहा है। और इसके अलावा भी बात है कि हम मन के साथ तो बह रहे हैं पर अपने शांत स्वरूप को जान नहीं रहे हैं। अब जब पता चल जाता है मैं खुद ही शांत स्वरूप हूँ, तो अपने आप ही मन के चंगुल से बाहर आने लगते हैं। एक निश्चय भी तो चाहिए ना, निश्चय के बिना थोड़ा मन से छूटना भी मुश्किल हो जाता है। जब हम जानते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ तो किसी भी अशांति को हटाना बहुत आसान है, क्योंकि मेरा धर्म ही नहीं है, ना शोक करना मेरा धर्म, ना सोचना मेरा धर्म, ना चिंता करना मेरा धर्म, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। अभी अपना शांत स्वरूप अनुभव में आ जाता है तो बाहर की गड़बड़ियाँ रहती नहीं हैं। और आ भी रही है कोई बात, अपने शांत स्वरूप के निश्चय से उसको परे करते जाओ। अभी रिलैक्स हो आप, आपका रिलैक्सेशन सिर्फ आपके अपने विचारों से ख़त्म है और कुछ भी नहीं है। देखो आपको भी पता है प्रारब्ध बनी हुई है, शरीर का निर्वाह कैसा है। कितनी अच्छी बात गुरु ने बता दी है, सबके शरीर का निर्वाह प्रारब्ध पर है, इसका निर्वाह प्रारब्ध पर है। अब हम जान गए इस बात को तो हम किनारे होके बैठ सकते हैं। अभी तुम मकान लो कहीं पर, जैसे दिल्ली में तो पता नहीं है कि नहीं, हरियाणा में हम सुनते हैं बड़े बड़े घर होते हैं ना इन लोगों के, हम जाते हैं तो हम बोलते हैं आपने इतना ओपन स्पेस क्यों छोड़ा है, बेकार, कवर करते, घर बड़ा कर लेते, कमरे बनाते। कहते हैं नहीं, सरकार का कानून है, हमको इतना ओपन स्पेस छोड़ना ज़रूरी है, हुड्डा का शायद कुछ रूल है। अब सबको पता है तो है, इतना तो छोड़ना है, उसके अलावा जो नक्शे हैं उसी में से चूज कर लेते हैं, कोई इलाज नहीं है। जब हम जानते हैं हमको इतना परसेंट खाली स्पेस छोड़ना है तो छोड़ना है। अब इतनी सी बात समझ में आ जाए कि ईश्वर का जो हिसाब बना हुआ है, शरीर का निर्वाह उस प्रारब्ध पर है ही है, वो फिक्स है भाई। समझो वो बोलते हैं आपको प्लॉट का 25% छोड़ना ही छोड़ना है, खाली 75 बना सकते हो, या बोलते हैं 60 बना सकते हो, 40 छोड़ना है, ऐसा कुछ रूल है। हम एक रूल को समझ गए, उसके बाद हम लोग अपना घर बना के खुशी करते हैं, मुहूर्त करते हैं, नाचते गाते हैं, फिर ओपन स्पेस को यूटिलाइज करने की सोचते हैं, गार्डन मेंटेन कर लें, झूला लगा लें, फर्श बना के चलो आंगन अच्छा कर लें, मार्बल वार्बल लगा दें, लुक आ जाएगा, कुछ भी कोशिश कर लेते हैं। फिर भी ज़रूरत पड़ती है टेम्परेरी फाइबर शीट लगा देते हैं और भी अच्छा हो जाता है, एक रूल पक्का हो गया ना। अब अगर ये रूल पक्का हो जाए शरीर का निर्वाह प्रारब्ध पर, तब तो तुम्हारा ध्यान ज्ञान के अभ्यास में लगेगा। अब ज्ञान के ध्यान में अभ्यास क्यों नहीं लगता, अभ्यास क्यों नहीं हो पाता, विचार करके देखो भाई। हम ज्ञान का अभ्यास करें, इसी में ध्यान रहे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान फिर शरीर की किसी बात में जा रहा है। अब एक रूल पक्का कर लो ना, अब उस घर में बैठ के कोई दुखी नहीं होता, हाय एक कमरा इधर निकलता, एक स्टोर, भाई नहीं निकाल सकते, टैक्स पड़ेगा, ख़त्म हो गई बात, वंस फॉर ऑल ख़त्म हो गई। आर्किटेक्ट के पास जाते हो पहले ही बता देता, इतना तो स्पेस आपको छोड़ना है। प्लॉट खरीदते हैं, सोच के खरीदते हैं,
भाई अगर हम खरीदेंगे ही 350 गज का, मसा 225 गज बना पाएंगे, पहले ही पता होता है, उस हिसाब से खरीदते हैं। जब बड़ा चाहिए चलो 500 गज का खरीदो, फिर 350 तक बनाने को मिल जाएगा हमें, पक्का है ना। कभी सोच के देखो, बार बार वृत्ति आत्मा से बाहर क्यों चली जाती है, ज्ञान से बाहर हम क्यों चले जाते हैं, फिर हम शरीर की किसी ना किसी बात में आ जाते हैं। शरीर की बात लाता कौन है, ये प्रस्ताव मन ले आता है, हर थोड़े दिन बाद तुम्हें किसी ना किसी झांसे में डाल देगा। अच्छे भले खुश चल रहे हो, मौज में चल रहे हो, फिर मन ख्याल ले आएगा कोई ना कोई। कोई आता है ना, अभी समझो किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, आते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, साथ देते हैं, खुश हो जाते हैं बड़े, फिर आके किस दिन बोलेंगे, मन कह रहा है तू इतनी खुश है, तेरे को भूल ही गए वो, अभी मन कह रहा है ना। अच्छा तुम मत सुनो मन की, लोगों को फेस कर लेते हैं, मन की सुन के दुखी हो जाते हैं, इतने बोल्ड हो जाते हैं कि हम अगर कहेंगे लोग बात कर रहे हैं तो कहेंगे कोई बात नहीं, बोलने दो लोगों को, हम तो खुश हैं, हमें तो आप मिल गए, लोगों को भी फेस कर लेते हैं। पर ये पता नहीं अपने अंदर से अगर कोई ख्याल उठ जाता है, फिर उसको फेस करने में वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। फिर अच्छे भले खुश रहोगे, आनंद में रहोगे, फिर मन आ जाएगा तेरे को तो देख, उसको प्यार कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तुझे तो नहीं कर रहे, देख तू तो उदास है। किस चीज़ की उदासी है भाई तुम्हें, किस चीज़ की उदासी है? निश्चय करते हो, संकल्प करते हो, खुश रहते हो, फिर मन आके एक तीली लगा जाएगा। और जब तक मन की सुनोगे ये तुम्हें खुश होने ही नहीं देगा, पर सुनते हो। दिक्कत ये है, मन की सुनने की बहुत आदत है, मन को सुनाने की आदत नहीं है। अब रोज़ हम कहें घर में सबकी सुनने की आदत डाल लो, कोई नहीं डालता, मन की सुनने की आदत है। यही अकल आ जाए, इतना सुनने की तुम्हें आदत हो जाए, घर में कोई कुछ कह रहा है अच्छा चुपचाप सुन लो, जितनी प्यार से मन की सुनते हो इतनी सुनोगे घर में किसी की? सबको जवाब देने के लिए है, मन को जवाब देने के लिए क्यों नहीं? कभी अपने से पूछो, तुम्हें अपने मन को जवाब देने के लिए कोई बात क्यों नहीं? सब पूछते हो ज्ञान में मन कैसे टिकाएं, और उन्नति कैसे करें, और आध्यात्मिक स्तर पर कैसे बढ़ें। भैया ये मन से कॉन्फ्रेंसेस तो बंद करो ना, बिजी इसमें हो, बाकी काम कब करोगे? अगर टीचर स्कूल में जाके बोर्ड साफ करने में और बेंच साफ करने में लग जाए, पढ़ाएगा कब? वो नौकर दूसरे होते हैं जो बोर्ड साफ करके रखते हैं, बेंच साफ, बच्चों ने बैठना, टीचर तो जाएगा और पढ़ाएगा। अगर वो दूसरे कामों में लगेगा, मेन काम कब करेगा? कोई भी व्यक्ति है, आप लोग अपना बिजनेस ही करते हो, अब आप अगर वहाँ शॉप पे जाके सफाइयाँ शुरू करो और काम करो, कोई व्यक्ति अगर आएगा बिजनेस डील करने, वो क्या डील करेगा, और तुम क्या ऑर्डर पूरे करोगे किसी के? पर तुम बाबूजी बन के जाते हो, अपनी कुर्सी पे बैठते हो, जाके कस्टमर की वेट करते हो, अपॉइंटमेंट देते हो, अगले आते हैं, फिर ऑर्डर्स पूरे करते हो। मालूम है ना ये फालतू के काम मेरे नहीं हैं। अब मन से उलझना भी तो मेरा काम नहीं है, कितना उलझना है? अब आप सोचो, भगवान अर्जुन को एक जगह कहते हैं, बहुत अधिक जानने से भी अर्जुन तेरा क्या प्रयोजन है? क्या मतलब है? भगवान को ज्ञान खत्म हो गया था, जवाब नहीं थे उनके पास, सब कुछ था, पर उनको लगा ये बेकार की ग्रामर में बातों में उलझता जाएगा, जो मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे की वो कब पल्ले पड़ेगी इसके। उन्होंने स्टॉप कर दिया, मेरे को नहीं देने आंसर तेरे को, मुद्दे की बात समझ, लड़ाई करनी है कि नहीं, तूने आत्मा समझ में आ रही है कि नहीं, पता चल रहा है ना कोई मरता ना कोई मारता, वो पकड़। कब तक तेरे को मैं लेके ये सॉल्यूशंस करता रहूं, क्योंकि तेरी बुद्धि का विस्तार है, बुद्धि में ही तो प्रश्न उठ रहे हैं, संशय उठ रहे हैं, फिर ये कैसे, फिर वो कैसे, भगवान तुम कल पैदा हुआ, फलाना हुआ, कुछ आंसर्स दे दिए, उसके बाद रोक दिया। तो आपको ये अभ्यास अपने साथ भी करना आना चाहिए, कब तक सेटिस्फाई करते रहोगे मन को विचारों से भी, कहीं तो छोड़ो इसको भी। अच्छी बात है, चलो अभ्यास कर रहे हो आप लोग, मन को भी कहीं कहीं हटाते हो, कभी जीतते हो, कभी कुछ करते हो, पर एक ऐसा निश्चय की ज्योत क्यों नहीं जलती है, जहाँ पर बार बार ये अंधेरा आए नहीं ना।
बार बार इस अंधेरे से लड़ना भी ठीक थोड़ी है, टाइम तो वेस्ट हो ही रहा। क्या अपने मन के साथ भी समय जाता नहीं है? बेकार ही तो जाता है समय। वही ज्ञान गुरु ने सुनाया है, अगर हमारे निश्चय में आ जाए तो बार बार मन से ना जूझना पड़े। पर हर थोड़ी देर बाद मन से जूझने में लगे रहते हैं, तो टाइम जा रहा है। आनंद कब लोगे? आत्माकार वृत्ति कब बनाओगे? नित स्वरूप में कब जागोगे? कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपना किनारे हो जाओ। ये ऐसा ही होना होगा तो हुआ, ये नफ़ा क्यों हुआ, ये नुकसान कैसे हुआ, कैसे की कोई बात ही नहीं है, तुमने सावधानी से किया। अगर तुम्हारी कोई भूल है बीच में, चलो आगे के लिए सतर्क हो जाओ। कभी कभी भूल नहीं होती, नुकसान पड़ते हैं, समझ में आ जाती है बात, हमारी प्रारब्ध का इतना ही था, रिलैक्स रहो। आपको इतनी इतनी बातों के लिए भी मन से जद्दोजहद क्यों करनी पड़ती है? हर थोड़ी थोड़ी बात के लिए मन को समझाने में क्यों लग जाते हो? हर थोड़ी थोड़ी देर में बैठ के मन के साथ ये सलाह मशवरे क्यों करने पड़ते हैं? निश्चय की कमी है ना इसका मतलब। अगर एक निश्चय हो जाए, अब आज आपको अपना एक निश्चय है, मेरा नाम फलाना है, सपने में भी हो, नींद में भी हो, गहरी नींद में भी कोई आवाज़ लगाता है, हाँ हाँ हाँ, उठ जाते हो, कितनी गहरी नींद में हो, वो नाम इतना पक्का हो चुका कि कोई सड़क पे भी किसी को आवाज़ लगा रहा हो ना, चाहे कोई और भी तुम्हारे नाम का हो, तुम ज़रूर एक बार मुड़ जाओगे, मुझे कौन देख रहा है, कौन बुला रहा है मुझे। फिर बाद में देखोगे, नहीं नहीं वो तो किसी और को बुला रहा है, मुझे नहीं बुला रहा, लेकिन नाम इतना पक्का है ना, भूल पड़ती है कभी, पक्का पता है, लड़का हूँ तो लड़का ही हूँ, कभी सपने में भी आया है मैं लड़की हूँ, आया कभी, गलती से भी नहीं होता कि मैं तो लड़का हूँ, लड़की को पता है मैं लड़की हूँ। जब हमें शरीर के रिगार्डिंग कई चीज़ों में इतना ज़बरदस्त निश्चय है, जहर है गलती से भी पीने का, कभी आया टेस्ट ले लूँ, नहीं है ना, कुछ चीज़ों को लेके बड़ा ज़बरदस्त निश्चय है। सुबह सुबह उठो, चश्मा लगाने की आदत है, कोई चीज़ देखनी है, फट हाथ जो है चश्मे पे जाएगा, पता है चश्मा लगाते ही मुझे ठीक दिखना शुरू हो जाएगा, कितना निश्चय है। तो क्या ज्ञान का निश्चय इतना स्ट्रांग नहीं किया जा सकता कि मुझे पता हो कि मेरे अपने निश्चय से मुझे सब ठीक दिखाई देगा? फिर एक बार चश्मा चढ़ा लिया, नहाने जाते हो, मसा उतारते हो, जितनी देर नहाते हो, फिर वहीं पर कंघी करी, वहीं फिर चश्मा डाल के बाथरूम में चश्मा लेके जाते, मोबाइल बाहर छोड़ जाओगे लेकिन चश्मा साथ जाएगा बाथरूम में भी, बस उतनी देर उतारते हो जितनी देर नहाना है तुम्हें, फिर अपना लगा लिया चश्मा, क्योंकि पता है इसको लगा के मुझे सही सही दिखेगा। तो ज्ञान का चश्मा ये लगाते ही सब सही सही दिखता है। गलती हो जाती है कि आपका चश्मा गुम हो जाता है, रोज़ आपका ये चश्मा गुम हो जाता है, फिर धुंधली आँखों से देखते हो, अंधी आँखों से देखते हो, जोर डालते हो, अब चश्मा ना लगाओ, जोर भी डालना पड़ता है, सिर भी दर्द होता है, दिखता फिर भी सही नहीं। एक चश्मा डालते ही ना सिर दर्द, ना जोर डालना पड़ता है, ना आँखें यूं यूं करनी पड़ती हैं, सही का सही दिख रहा है, इतना फर्क हो जाता है। जब ज्ञान का नज़रिया नहीं है, सिर भी दर्द करो, फोकस भी ज़्यादा करो, दिमाग भी ज़्यादा ख़राब करो, उलझो भी सही, कहानी फिर वहीं रहनी है, जो है सो है। एक्सपेक्टेंस ज़्यादा है, प्रारब्ध पर एतबार कम है, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। हर इंसान क्या करता है, एक्सपेक्टेंस ज़्यादा रखता है लाइफ में। अब प्रारब्ध से बाहर अगर आप उम्मीद रखोगे, कुछ होने का तो है नहीं, होगा क्या? आपकी जो एक्सपेक्टेंस है, अब जो प्रारब्ध में है वो असल में आपको भा नहीं रहा, जो आपको भा रहा है वो मिल नहीं रहा, चक्कर ये है सारा का सारा, क्योंकि आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो। इतना होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा बिजनेस इतना चल जाना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरे पास फलां कस्टमर आ जाना चाहिए, मेरे तुम्हारा हिसाब ईश्वर के हिसाब के आगे कैसे जाएगा, कैसे जाएगा तुम बताओ ना।
तुम्हारे अपने खाते हैं, तुम्हारे अपने हिसाब हैं, तुम उसमें उलझे रहते हो सारा दिन। और सच्चाई क्या है? जो परमात्मा की शरण आना है, सरेंडर करना है, प्रेयर करना है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ इतना सा है, आप सोचते हो प्रेयर माना टू चेंज गॉड्स माइंड, भगवान का दिमाग बदल दें, जबकि प्रेयर मींस लेट गॉड चेंज योर माइंड। फर्क सिर्फ यहाँ आ जाता है, आप सोचते हो मैं प्रार्थना करूँ भगवान का दिमाग बदल दूँ, मैं उसको जो जो कहता हूँ वो करता जाए, जबकि प्रार्थना माना समर्पण, और समर्पण कहता है भगवान को तुम्हारे दिमाग को बदलने दो, भगवान को करने दो जो कर रहा, तुम मत आओ बीच में। तो तुम्हारी जब तक ये जत्थोजहद नहीं शांत होगी ना, आत्मा का अभ्यास चलेगा ही नहीं, तो इसी लेवल पे उलझते रहते हो सारा टाइम, एक बात कभी दूसरी बात। अब होता क्या है, जिस दिन थोड़ा अनुकूल निकल गया, जिस दिन थोड़ा ज्ञान के विचार डोमिनेट रहे, उस दिन लगता है मैं आनंद में हूँ, जिस दिन थोड़ा मन हावी हो गया, जिस दिन थोड़ा निश्चय डावाडोल हो गया, उस दिन लगता है आज मेरा दिन खराब हो गया। दिन तो रोज़ का बड़ा सही है, दिन में प्रॉब्लम थोड़ी है, प्रॉब्लम है अंदर अभी भी अनुकूलता की चाह है, प्रॉब्लम ये है। ज़रा सा अनुकूल होता दिखता है, सेटिस्फेक्शन आने लगता है, ज़रा सा प्रतिकूल दिखने लगता है, डिससेटिस्फेक्शन होने लगता है, फिर कभी ब्लेम परमात्मा को, कभी एक दूसरे को ढूंढते हैं, फिर हम असल तो हम उलझते हैं अपनी डिससेटिस्फेक्शन से, और हम उस डिससेटिस्फेक्शन को लोगों पर थोपना चाहते हैं, तेरी वजह से हो गएगा, तेरी वजह से हो गएगा, तेरी वजह से। वजह तो कोई भी नहीं, वजह तो इतनी सी है कि तुम अंदर से डिससेटिस्फाइड हो इसलिए परेशान हो। अगर तुम संतोषी हो जाओ, अब आज कौन नहीं जानता कि जो है ये भी छोड़ के जाना है, अब इस नज़रिए से देखो तो शायद तुम्हारे पास जरूरत से ज़्यादा ही है कि नहीं, जरूरत से ज़्यादा है। क्या बाय करना चाहते हो, बहुत पैसा हो जाएगा क्या करोगे? लग्जरीज बाय करना चाहते हो, लग्जरीज बाय करके क्या करोगे? मन की शांति हो जाएगी, क्या मिलेगा? असल में खुद भी तो हम नहीं सोचते ना थोड़ा आगे जाके। एक व्यक्ति जो यहाँ नहीं आया वो एक सांसारिक होड़ में दौड़ता हुआ समझ आता है, एक व्यक्ति जो यहाँ आ गया जब वो किसी होड़ में दौड़ता है ना, बड़ा अचरज लगता है कि इसको इस होड़ में शामिल होने की कहाँ ज़रूरत है? है ज़रूरत, किस लिए होड़ में शामिल हो रहा है, काय के लिए दौड़ना चाहता है, क्या करेगा? जितना मर्जी कमा लो, हम तो यहीं दरी पे ही बिठाएंगे, हम कुर्सी तो लगाने से रहे तुम्हारी सोने की, कि तुम आए हो सोने की कुर्सी पे बैठ जाओ, जूते यही खाओगे आखिर तक, क्या कर लोगे? जीवन सफल करना है वो लाइन ही अलग है, क्या करोगे? कुछ भी औहदा पा लो, धन पा लो, पदार्थ पा लो, कुछ भी कर लो, इज्जत कमा लो दुनिया में। भगवान बोलते थे बहुत इज्जत हो जाए निष्काम में, लाखों लोग तुम्हें पूजने लगे, मैं तो फिर भी मिट्टी में बिठाने वाली हूँ, और मैं फिर भी कूटने ही वाली हूँ, आ जाओ कराओ जो मर्जी कराओ बाहर से, हमारे पास तो यही प्रसाद मिलेगा आखिर तक, फिर क्या करोगे? भागना ही किस लिए, दौड़ भाग है किस लिए? शांत करके बैठना सीखो, दो फुल्का भगवान खिलाएगा, दो रोटी और दो धोती, पक्का ही पक्का मिलने वाली है कि नहीं? और अच्छी मिल रही हैं, ब्रांडेड पहनते हो सारे, कम तो नहीं पहनते हो, ब्रांडेड ही पहनते हो, ब्रांडेड का जमाना है। औरत हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने कहा हम आपको लोकल एनेस्थीसिया देंगे, उठ के बैठ गई, कहती क्यों ब्रांडेड नहीं है? वो ब्रांडेड इतना घुस गया है नस नस में, उसको एनेस्थीसिया भी ब्रांडेड चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया नहीं लगवाना चाहती, जबकि लोकल एनेस्थीसिया मतलब बेहोश कर रहे हैं तुझे,
डॉक्टर तो बेचारा इन्फॉर्म कर रहा है, वो उठ के ही बैठ गई, कह रही ब्रांडेड नहीं है तुम्हारे पास, मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना तुम्हारे यहाँ, अच्छा ही पहन रहे हो, अच्छा ही खा रहे हो, अच्छा ही घूम रहे हो, इससे अधिक आवश्यकता क्या है? क्या है इससे अधिक आवश्यकता? जब तक तुम खुद नहीं विचारोगे ना, तुम्हारी ये होड़ में शामिल होने की बीमारी नहीं जाएगी। और ये होड़ इतनी गंदी है, जहाँ तक मर्जी चले जाओ, जहाँ तक मर्जी चले जाओ, वाजिद अली शाह 365 रानियाँ रख के भी तृप्त नहीं हुआ, 365 लोग एक औरत नहीं रख सकते, उसने 365 रखी, रोज नई के पास जाता था, फिर भी निर्वासना तो नहीं हुआ, भूखा ही रहा, अतृप्त ही रहा। सिकंदर ने कोशिश करी, मैं एक ही राजा हो जाऊं पूरे वर्ल्ड का, आखिर भी अतृप्त गया। हुआ क्या? उसको ज्योतिषियों ने बोला था, तू मरेगा ना तो चांदी की धरती होगी, सोने का आकाश होगा, पर तू पानी की प्यास से मरेगा, तरसेगा पानी के लिए। अब उसने पक्का ठान लिया कि वो दिन तो कभी आना नहीं, इसीलिए दौड़ने लगा होड़ में, खूब दौड़ा, माँ को मिलने जा रहा था आखिर में। रास्ते में तबीयत खराब हो गई, लिटाना पड़ा, राजा है जमीन पे कैसे लिटाते, सैनिकों ने अपनी ढाल दे दी, ढाल होती थी ना उनकी, चांदी की ढाल होती थी, लकड़ी पे वो चांदी का वो लगा रहता है, उस पे लिटाया गया, चेहरे पे धूप पड़ रही थी, उसका ही मुकुट पेड़ पे टांगा, और प्यास से तड़प रहा था, सैनिकों को भगाया पानी के लिए। समझ आ गया, आज चांदी की धरती है, सोने का आकाश है, पानी के लिए तरस रहा हूं, मतलब अंत समय आ गया। हुआ क्या? इतना दौड़ने के बाद भी हुआ क्या? विचार तो सिर्फ ये करने वाली बात है, हुआ क्या? What at last? अगर अभी तुम्हारा अंतिम समय आ जाए, क्या ले जाओगे? आजकल तो शरीर इतना धोखेबाज, पता ही नहीं चलता कौन सी बीमारी डिक्लेयर हो जाती है, एक नई खेचल में पड़ जाते हैं सब, कैसे शरीर की हालत हो जाती है, चलते फिरते अच्छे भले, कभी कभी डॉक्टर्स बोलते हैं इलाज ही नहीं, अब जस्ट वेट, अजीब बीमारी है। उस दिन किसी ने बताया उनके फादर कई साल से कोमा में, अब ना बंदा जीवित है ना मुर्दा है, क्या करो उसका? नजर दौड़ाओ ना कभी, तो आपको पता चलेगा संतोष भीतर आ जाए तो आ जाए, वरना तो इस दौड़ में कुछ जीत किसी की नहीं है। ये ऐसी अजब दौड़ है, इसमें आज तक कोई फर्स्ट नहीं आया, कोई लाइन ही नहीं क्रॉस कर पाया विक्ट्री वाली, क्योंकि जितना दौड़ लो ना, पता नहीं वो लाइन आगे ही खिसक जाती है। कभी देखा है तुमने, जो दौड़ में एक रिबन लगा देते हैं, भाई इसको क्रॉस कर गए तो तुम जीत गए। इस संसार में देखना है रिबन कहीं पे, वो रिबन खिसकता ही जाता है। जब छोटे थे एक 10 रुपए भी नहीं होते थे जेब में, लगता था जिस दिन पापा 10 रुपए खर्ची कर देंगे ना, शायद मैं बड़ा अमीर आदमी हो जाऊंगा दुनिया का। जिस दिन 10 मिले, एक आधा दिन तो खुशी रही, दोस्त की जेब में 50 दिख गए। जिस दिन अपनी जेब में 50 हुए, उस दिन 100 की जरूरत हो गई, 100 हुए तो 1000 की बात हो गई, 1000 के बाद कमाने की जरूरत पड़ गई, हजारों में कमाऊं, हजारों तक पहुंचते तो लाख की तमन्ना हो गई अंदर, लाख हैं पर करोड़ का दिल हो गया। ऐसे लग रहा है ना, ये विक्ट्री की लाइन कहां जा रही है आगे,
और आगे और आगे, लग रहा है बस मैं अभी पकड़ लूंगा, जस्ट अभी पकड़ लूंगा, लेकिन नहीं आ रहा ना हाथ में। हासिल थींदी है हैरानी। आखिर में जब इंसान जाने लगता है दुनिया से, क्या लेके जाता है? सिर्फ हैरानी लेके जाता है, हैरानी और परेशानी। एक तो आसक्ति हो गई जो इकट्ठा किया, अब इसका क्या करें? सारी जवानी संग्रह में जाती है, सारा बुढ़ापा बांटने में जाता है, हाथ पल्ले फिर कुछ नहीं आता। जवानी में तुम देख लो संग्रह की बीमारी, इकट्ठा करना है, एक घर दूसरा घर, प्लॉट लेना है, ये लेना है, औरतों को देखो गोल्ड बनाने की बीमारी, नहीं मेरे को राखी के पैसे मिले, नहीं मेरे को फलाने के मिले, इकट्ठे करो। तुम्हारे पास FDs, मकानों के पेपर, जमीन जायदादों के पेपर, औरतों के पास गोल्ड होगा। फिर ज्यों बुढ़ापा आता है पता लगता है अब जाना है, अब फिर उसकी टेंशन हो जाती है, बांटो इसको, ये इस बेटे को देना, वो उस बेटे को देना, वो कहेगी ये बेटी का, ये बहू का, ये पोती का, ये दोती का, सारा बंटवारा हो रहा है। तुम्हारे हाथ क्या आया? तुम जो इतना सारा दौड़े, तुम्हारे हाथ क्या आया? मतलब तुमने सारा कबाड़ इकट्ठा किया लास्ट में बांटने के लिए, करते क्या हो? इंसान किस चीज़ का भरपूर इस्तेमाल करे? वैरायटी इतनी हो गई है आजकल, भरपूर इस्तेमाल तो कपड़ों का भी नहीं। एक समय होता था कपड़े फटा करते थे, है ना? अब समय क्या है, ऐसे ही नए नए उठा के देते रहते हैं, हो इतने ज़्यादा गए हैं, पहने ही नहीं जाते, साइज चेंज हो जाते हैं, साइज अपना बदलता है, दोष कपड़ों पे आता है, कपड़े छोटे हो गए हैं, कपड़े टाइट हो गए हैं, कपड़े ना टाइट हुए ना छोटे हुए, कपड़े तो वही हैं, तुम घट बढ़ गए, थोड़े होते थे वही यूज़ हो जाते थे, फिर नए ले लिए, अभी अपने साइज़ के बन गए, वैरायटी इतनी ज़्यादा हो गई। हर चीज़ को संग्रह तो कर रहे हो, पर रिजल्ट क्या निकल रहा है? अपना ही अंदर वाला वो ख्या के फिर निकालता है। वह फर्क इतना, असमर्थ व्यक्ति को भगवान को अंदर से औखा करना पड़ता है तब निकालता है, समझदार व्यक्ति पहले से संग्रह ही नहीं करता है। क्या करना संग्रह करके, क्या करना इकट्ठा करके, क्या करना जोड़ जोड़ के? कम खाओ गम खाओ, होगा क्या? और किसी से भी पूछ लो ना, चाहिए किसके लिए? आगे आने वाली पीढ़ी के लिए चाहिए। जब तेरी प्रारब्ध बनी हुई है, आने वाली पीढ़ी क्या आकाश से टपकेगी? उसकी भी बनी हुई है। गुरु नानक देव जी ने एक जगह लिखा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आगे कपूत है, औलाद ही अच्छी नहीं है, संचय करके क्या करोगे? तुम्हारा इकट्ठा किया उजाड़ देंगे। पूत सपूत अच्छे हैं तो क्यों धन संचय, कमा खाएंगे? ईमानदार व्यक्ति की प्रारब्ध कहाँ जाएगी? तुम्हें असल में ये भी नहीं पता तुम्हें क्यों चाहिए। सुना हुआ है ना लोगों से, तो सब कहेंगे बीवी बच्चों के लिए, सब बोलते हैं, तुम्हें खुद ही नहीं पता क्यों चाहिए तुम्हें। तुम एक होड़ में शामिल हो असल में, और अंदर तृष्णा के अधीन हो, वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं होने देती। प्रॉब्लम ये है, सब रातों रात करोड़पति होना चाहते हैं, ऐसे लगता है अगर हम कोई काम कर रहे हैं जैसे नोट छापने की मशीन लग जाए, इतना आता जाए उतना आता जाए ऐसे होता जाए, और सारे ही ऐसे मांगते हैं तो कैसे पूरी पड़ेगी? एक कुटुंब भी होता है तो हिसाब से काम होता है ना। अब पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, माँ ने बनाई दाल सब्जी जो भी बनाई, हिसाब से उसकी कड़छी में आती थी दाल सब्जी, बाकी भाई बहनों ने भी तो खानी है। अगर एक कोई ज़्यादा पेटू होता था ना, मांग लेता था, मम्मी और दो टेस्टी है,
ये बाकी उन्हें रोटी नहीं खानी क्या, ये ले ले आधी कड़छी और बस इसे ख़त्म कर, उठा देती थी वहाँ से। अब ये इतनी बड़ी सृष्टि क्या है, कुटुंब है भगवान का, उसका हाथ बैलेंस से ही चलेगा। तुम सोच रहे हो मेरी थाली में तो जग भर के डाल दे, बाकियों को कड़छी से बांटे, नहीं हो सकता। ये सबका मन यही करता है, बस मेरी तरफ तो जग भर भर के डाल दे भगवान, ऐसे कुटुंब है भाई। और कुटुंब में देखना पड़ता है, बड़ा बच्चा कमाने जाने वाला उसको ठीक से दिया जाता है बड़ी कटोरी में, जो घर रहने वाला पढ़ाई वाला उसको थोड़ा मिडिल में, छोटे बच्चे को तो छोटी कटोरी नहीं तो प्लेट की साइड में, फर्क है, हिसाब भी तो है कोई। अब संसार में वो वैसा हिसाब नहीं तो प्रारब्ध से हिसाब बना दिया गया, हिसाब तो बनाना था ना। तुम ये भी तो सोचो, जिस घर में व्यवस्था ना हो तो माँ तो सारा दिन चौके में ही बैठी रहे, भाई दो भाई आए ख़त्म कर गए सारी सब्जी, अब और चढ़ाए, फिर चार आए खा के चले गए, फिर और चढ़ाए, वो तो जब तक ब्रेकफास्ट नहीं निपटेगा तो लंच, वो पहले वाले लंच करने आ जाएंगे, जब तक इनका लंच निपटेगा डिनर वाले आ जाएंगे, क्या करेगी वो, व्यवस्था तो चाहिए। तो ये जो देग चढ़ाई है ना परमात्मा ने, इसमें एक माप है उसका, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, कड़छी है ये उसकी, और उसी से बांटता है वो। तुम जितना मर्जी लालच करो, कहता है नो बेटा, बाकी भाई बहन भी हैं, चुप बैठ, नहीं मिलेगा। पता होता है ना, ये बच्चा मुआ लालची है तो उसको पहले से माँ कह के बैठती है, यही सब्जी है ध्यान से खाइयो, फिर कहे रोटी बच गई है मम्मी और सब्जी दो, मेरे पास नहीं है और। तुम वो लालची बच्चे, तो भगवान जो कड़छी से डाले बैठा है ना, वो कहते इसी को पूरा करो। अब सियाणा बच्चा होवे, समझ जाए माँ और नहीं देगी, तो तरीके से सब्जी लगा के खाता रहे, लास्ट तक सब्जी चल जाएगी। और नहीं तो माँ कहती अब खा रूखी मैं क्या करूँ, ले नमक ले ले, लगा ले इस पे नमक और खा बिना सब्जी के, फिर दुखी होगे। अगर समझ जाओगे ना हिसाब, आराम से जियोगे। हिसाब समझ जाओ एक, तुम हिसाब समझ ही नहीं रहे हो। तुमको दिख रहा है माँ के पास इतनी बड़ी देग बनी हुई है, तो इतना बड़ा कुटुंब भी तो है ना माँ के पास, देग है तो क्या हो गया, हम लोग ही यहाँ प्रसाद करते हैं। अब तुम्हें तो लगेगा इतने बड़े बड़े पतीले, तो हजारों लोग भी तो हैं खाने वाले भैया, जब खड़ा करते हैं तो ये लोग समझा के खड़ा करते हैं, एक एक कड़छी दिखा के इतनी इतनी डालनी है आपने सब्जी, इतनी इतनी डालनी है दाल, जब दोबारा भेजते हैं रीसर्विंग के लिए तो भी बता के भेजते हैं ऐसे डालनी है। तुम्हें दिख रहा है ना इतना तो पड़ा हुआ है, पर लास्ट तक पूरा भी तो करना कि नहीं करना, तुम तो थाली में वेस्ट कर जाओ, पीछे वालों के लिए बचे ना, कैसे चलेगा काम। सियाणी माँ वही है जो बैलेंस से काम करती है। अब तुम्हें ईश्वर का इतना बड़ा देग दिखता है, सच्चे मेरे साहिबा क्या नहीं घर तेरे है, घर में तो बहुत कुछ है पर हिसाब से बटेगा, ये थोड़ी मतलब है क्या नहीं घर तेरे, माँ को बोलो क्या नहीं घर तेरे, तो चेन भी तेरी, चूड़ियाँ भी तेरी, टॉप्स भी, बाकी भाई बहन क्या करेंगे। माँ हिसाब से बता के जाती है, ये बेटी का, ये दोती का, ये पोती का, हिसाब है ना। और तुम जब गाते हो साचे में, हम देखते हैं सारी, जब ये लाइन आती है ना साचे मेरे साहिबा, इतनी श्रद्धा आ जाती है अचानक सबकी आंखों में, सबके फेस पे अचानक से श्रद्धा उमड़ती दिखती है, साचे मेरे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर ता तेरे सब कुछ है, जिस दे ही सो पाए, मतलब तेरे हाथ में जिस दे ही सो पाए, नहीं उसके हिसाब में भी नहीं है, उसके हिसाब में भी नहीं है, ये उसके वश में भी नहीं है, क्योंकि सबकी प्रारब्ध है ना उसमें, काय उलझ रहे हो, बैठ जाओ आराम से, जो कड़छी तेरी थाली में डाल दी उसको खा लो चुपचाप, उसको तो फिनिश करो। अभी भी तुम देखो जो तुम्हें मिल रहा है हर महीने उतना फिनिश कर देते हो, तुम इतने चालाक हो उसमें से भी बचाते हो, है ना, बचाते हो नहीं बचाते हो, उसमें से भी एक तरफ करते हो,
कभी घूमने जाना हो, कभी कुछ अचानक बड़ा खर्चा करना हो, कभी कोई शॉपिंग करनी हो, तुम थाली में रखा हुआ है, अभी माँ को दिख रहा है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर कहते हो और दे दे, पहले वो फिनिश करो फिर और देगी, तो अभी तो वो भी ज़्यादा है, फिर हवस किस चीज़ की, होड़ किस चीज़ की, मूड का है अपसेट, परेशानी का है, मेरे हाथ से ऑर्डर निकल गया तो नहीं होगा ना तेरी प्रारब्ध का, जो तेरी प्रारब्ध का होगा तेरे पास चल के आ जाएगा, कोई बड़ी बात है क्या? कभी कभी कोई नेगोशिएशन करके भी काम नहीं कराता, कभी कोई ऐसा आ जाता है नेगोशिएट ही नहीं करता। अब तुम सोचते हो ये अच्छा है, ऐसे भगवान ऐसे ऐसे भेजा कर ग्राहक, नहीं उसने तेरा देना था, उसने इसलिए नेगोशिएट नहीं किया, और उसके पास तेरा हिसाब नहीं था, गलत जगह चढ़ आया था, भगवान उसको उठा ले गया, सीधा सीधा कायदा। तुम पता नहीं सीधे कायदे को भी टेढ़ा क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे सवालों के जवाब हैं, सीधे सीधे पहाड़े लिखे हुए हैं, टेढ़े काहे कर रहे हो, जैसे मर्जी घुमाओ, दो पंजे भी दस है, पांच दुनी भी दस है, दो दो रुपए करके पांच बार मिले तो भी दस आएंगे, पांच पांच करके दो बार मिल गए तो भी दस आएंगे, पर जो दो दो करके पांच आते हैं ना तुम्हें वो ज्यादा लगते हैं, पांच करके दो आए बस दो ही कस्टमर आए, दे कितना सारा गए, वो हिसाब तो पूरा हुआ है ना, वही वाला हुआ ना भाई, छोटे काम वाले पांच आ गए, बड़े काम वाले दो आ गए, अब दो पंजे भी दस है, पांच दुनी भी दस है, तुम्हें ये मैथमेटिक्स समझ नहीं आता। वो आदमी बैठा था, देखा संत ने टिफिन पड़ा हुआ है और खाली बैठा हुआ है, भाई रोटी नहीं खाई आज, कहता है महात्मा जी क्या रोटी खाऊं, सुबह से ग्राहक ही नहीं आया। दो चार दिन बाद फिर महात्मा जी निकले, शाम हो गई, दुकान पे तो भीड़ है, टिफिन आज फिर रखा हुआ है, महात्मा जी ने बोला रोटी नहीं खाई, महात्मा जी टाइम है रोटी खाने का, आज इतना कस्टमर है, महात्मा जी ने कहा तू इंसान है ही ऐसा, तू वेला है तो भी खाएगा नहीं क्योंकि आज ग्राहकी नहीं है, अब आज ग्राहकी है तो नहीं खाएगा क्योंकि पहले ग्राहक अटेंड कर लूँ, रोटी दिखी जाएगी, तूने खानी तो ही नहीं रोटी, ना यूँ खानी है ना यूँ खानी है। और संतों को देखो, कदी चबावे चना चबे ना, कदी खीरा दी मौज लेंदे ने, मंग तंग के ओ टुकड़े पावन, चलन चाल अमीरां दी, वाह वाह मौज फकीरां दी, कभी उस खुनकी में आके देखो, कभी उस खुनकी में आके देखो, जब तुम्हें फील हो अंदर इतनी तृप्ति इतना संतोष, बाहर की चीजें कुछ काउंट ही नहीं करेंगी, क्या फर्क पड़ता है, ना हो हमारे पास घर, दादाजी इतना अच्छा विचार दिया, बोला मूर्ख बनाते हैं सियाणे रहने जाते हैं, सारे ही बुलाते ज्ञानी को, हमारे घर आओ हमारे घर आओ, हमारी गाड़ी में बैठो, अब कोई दुनिया की गाड़ी नहीं होगी जिसमें हम लोग नहीं बैठे, फिर भी अपनी गाड़ी कोई नहीं, कौन पेट्रोल डलवाएगा, कौन मेंटेन करेगा, कौन ड्राइवर रखेगा, पर कोई गाड़ी ऐसी नहीं जिसकी मौज ना ली हो, जो ले आता है कहता है पहले आप बैठो, शोरूम से सीधे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं ला के, BMW में भी चढ़ो तो रोल्स रॉयस में भी पता नहीं नाम ही नहीं आते हमको, तो इसमें चढ़ो उसमें चढ़ो, तो मूर्ख खरीद लाते हैं सियाणे मौज लेके अपना किनारे हो जाते हैं। अब तू अपना घर ले जा, ड्राइवर रख, खुद चला, पेट्रोल डलवा, सर्विस करवा, जो मर्जी कर, हम अपना मौज लेके निकल आए बीच में से, फिर कह जाते हैं आपको कभी ज़रूरत तो आप फ़ोन करिएगा, ज़रूर करेंगे, ज़रूरत पड़ती कभी नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं का प्रोग्राम बनता है किसी ना किसी की नई गाड़ी फिरा खड़ी होती है, ज़रूरत कभी पड़ती नहीं, कहीं दूर जाना हो आप इसमें जाना, कहीं पार्टी में जाना हो इसमें जाना, एक बर्थडे आती है 50वां फ़ोन, हम सबको मना करते हैं मैं नहीं चाहिए हम अपनी गाड़ी से आएंगे, नहीं आज मन कर रहा है आपको हम अपनी गाड़ी से ले जाएं, आज मन
उस दिन किसी ने गाड़ी सजवा के ला के दरवाजे के आगे ही लगा दी, गेट खोले तो गेट ना खुले, ये क्या हुआ, बाहर गाड़ी कौन लगा गया ऐसे, किसी की डोली वोली आई है क्या हुआ, दरवाज़ा खोल के देखें तो हम गाड़ी लेके आए, इतनी सजी हुई गाड़ी, बोला आप इसमें चलिए बैठ के, हमको ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक सजवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी गाड़ी। तो दादा की बात सही लगती है, सियाणे मेहनत करते हैं, मूर्ख मेहनत करते हैं, सियाणे मौज करते हैं, बस इतना ही है, क्या चाहिए, कमी किस चीज़ की। मान लो लोग ब्रांडेड पहनेंगे, अच्छा हम नॉर्मल पहन लेंगे, तन ही तो ढकना है, कोई ये तो नहीं कि नॉर्मल पहनोगे तो शरीर छलकने लगेगा, अंदर से ब्रांडेड पहनोगे तो ज़्यादा ढका रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं, सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, पता भी नहीं होता किसी को हमने कौन सी ब्रांड का पहना, किसी को क्या पता, मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना। तो अगर हम संतुष्ट होना चाहें, अब हम रोज सोचें हाँ इसके पास ये वाली, मेरे पास भी होती, फिर हम क्या करेंगे, खर्चा ही बढ़ेगा, तो ठीक है ना रोज तो मौज लेते फिर रहे, ऐसा घर मेरे पास भी होता, रोज लोग बोलते आप इतने छोटे घर में रहते हैं, घर में रहते कहाँ हैं हम, रहते कब हैं, एक रात को सोने जाते उतना इनफ है, वो तो कहीं भी जाएंगे इतनी पलंग पे सोना पड़ेगा, शरीर कैसे बड़ा होएगा, उसी में सोना पड़ेगा ना, उतनी जगह में इनफ है, बड़े घर का करेंगे क्या, रहेगा कौन उसमें, हम तो सारा दिन बाहर होते हैं, रहेगा कौन उसमें, फालतू खर्चा खाएगा वो, पैसा लगेगा उस पर मेंटेनेंस, फिर काम वाली, फिर बहुत सारी टेंशन। बल्ली सुहावनी झापड़ी जामे हरी चित लाए, हरी में चित लगना चाहिए, भले झोंपड़ी हो उस महल का भी क्या करोगे, हरी से चित हटके विकारों में मन चला जाए, झोंपड़ी भी बहुत अच्छी है। कई ऐसे भी तो होंगे जिनके पास झोंपड़ी भी नहीं है, फुटपाथ पे सो रहे हैं बेचारे, फिर भी हम फार बेटर हैं, फिर टेंशन है किस चीज़ की, बाकी खानी वही दो रोटी है, पहननी वही दो धोती है, क्या करोगे, मान लो ज़्यादा हो जाए सोने की रोटी तो चबाओगे नहीं, वही रोटी खानी है ना, कपड़े भी वही पहनोगे, पहन लोगे ज़्यादा, भाई मैं अमीर हो गया हूँ आज मैं दो पैंटें पहन के जाऊँगा, तो लोग कहेंगे पैसा आने से दिमाग हिल गया, पागल खाने छोड़े आएंगे, यही तो करेंगे ना, भाई हिल गया दिमाग, अब आज इसने दो दो जोड़े पहन लिए, पैसा आ गया क्योंकि इसके पास, तो आखिर तो पागल ही कहलाएगा। तो वहीं का वहीं रहना है ना हमको, वही दो रोटी खानी है, वही दो धोती पहननी, उतने में शरीर की ज़रूरत कितनी। दादाजी ने बोला सबसे बड़ा संन्यास की शिक्षा हमको अपना शरीर दे रहा है, सबसे बड़ा सन्यासी है, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, ये कहता है नहीं एक जोड़ा, एट ए टाइम एक जोड़ा, महीने का राशन पड़ा है, ये अपनी खा के खुराक, उसके बाद कहता है नो, कितनी टेस्टी बनी हो डिशेज, कितनी अच्छी बनी हो, नो। शादी में जाते हो अपने लायक पेट भरते ही, चाहे कोई कहे ये चीज़ बड़ी स्वाद है, वो नहीं, और मान लो खा लो ज़बरदस्ती, इतना तंग कर देता है जब तक निकाल नहीं फेंके किसी तरह, शांति नहीं आने देता, खाई ना तुमने ज़बरदस्ती, अब ये कहता है उसको निकालने का उपाय करो, पियो इनो, पियो नींबू, कुछ करो, चाहे वॉमिटिंग ही हो जाए, कभी कभी कई लोगों को देखो कहते हैं उल्टी आ जाए, जान छूटे मेरी, है ना सन्यासी, अपनी खुराक से ज़्यादा स्वीकार नहीं करता, अपना जो इसका पहनावा है उससे ज़्यादा स्वीकार नहीं करता, ये सबसे बड़ा सन्यासी है। और आपका मन आपको दिखाता है शायद शरीर की वजह से मुझे चाहिए, झूठी बात, एकदम झूठी बात, ये कभी अस्वीकार भी नहीं करता, कभी ऐसा होता है आप इसको सिल्क की जगह खादी पहनाओ, खद्दर पहनाओ, ये कहे मैं नहीं पहनता, बल्कि खद्दर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, देखा है शादी पार्टी से आओ, पैंट कोट पहने हैं, जीन्स पहनी है, आते ही चेंज करने भागते हो, क्यों क्यों चेंज करने भागते, रिलैक्स होने के लिए, मतलब वो चीज़ें रिलैक्स नहीं होने दे रही ना। लेडीज़ को देखो घर आते ही गाउन पहन लेंगी, उतार दी 10,000 वाली साड़ी, 20,000 वाली उतार दिए, गहने लाख रुपए वाले सॉलिटेयर उतार दिए, अब नहीं, बस घर आते ही रस्ते में ही शुरू हो जाती हैं, देखा उतार उतार के गहने पर्स में, घर जाके टाइम ना लगे। जेंट्स क्या करते, हल्का कुर्ता पजामा चाहिए,
पजामा टी शर्ट चाहिए, घर आते ही हल्का बाथरूम में टांग के रखते हो अपना लाइट कपड़े, आते आजकल तो वो भी कम हो गए हैं, शॉर्ट्स आ गई हैं, पजामा भी नहीं रह गया। ज़रूरतें तुम्हारी दिन दिन कम होती जा रही हैं, हवस दिन दिन बढ़ती जा रही है, अजीब बात है। जब तुम रोज सीख रहे हो शरीर से कि रिलैक्स होने के लिए इसको लाखों की चीज़ें नहीं चाहिए, कहता है इनका त्याग करो तो आराम से सोएंगे, पहन के सो। आज जाके ना गोल्ड का सेट, डायमंड का सेट, नेकलेस, इयर रिंग्स, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ पहन के सोना, आज सो पाओगे? सो पाओगे? ये कहता है अगर मुझे आराम में आना है हटाओ ये माया यहाँ से, क्योंकि उसका भी भगवान से जुड़ने का वक्त आ जाता है। नींद का वक्त क्या है? जब अपने सेहत जगत भूल के ओम में लय, जगत की प्रलय होती है ना, तो ये शरीर क्या कहता है? कहता है ये सब हटाओ, मुझे नहीं चाहिए, मैं तब आराम में आऊँगा। हल्का पहनो, कम पहनो, न्यूनतम में आ जाओ। किसी के भी घर तुम चले जाओ रात को, न्यूनतम में, क्यों? न्यूनतम में सुख है। पर सीखते ही नहीं इससे कि सुख तो न्यूनतम में, संग्रह में सुख नहीं है। अच्छा, रात को नींद नहीं आ रही, अलमारियां खोल के बैठ जाओ देखने, इतना इतना नींद आएगी, बंद करो सारी अलमारियां, आंखें ही बंद कर लो भैया, इस दुनिया से कमरा भी ना देखो तो नींद आती है। नींद कब आती है? तिजोरी खोल के आ जाए नींद, नहीं आएगी। आंखें खोल के आ जाए नींद, इतना बड़ा कमरा, 500 गज की कोठी, नहीं आती। आंखें बंद करो। रोज हमारा शरीर ही हमको सिखा रहा है कि हमें असल सुख कहाँ है। अब मतलब इस सब का त्याग हुआ, इनके चिंतन का भी त्याग हुआ, तो हम सुखी हो गए, सुबह फ्रेश उठे हम। दिन में भी यही आर्ट है जीने की, दिन में भी जीने की बस यही आर्ट है। जितना जगत की जरूरतें न्यूनतम कर लो, चिंतन न्यूनतम कर लो, उतना आनंद। बस ज्ञानियों के पास, ब्रह्मज्ञानियों के पास यही वाली रमज है, न्यूनतम। वो न्यूनतम में रहते हैं, कम से कम में गुजारा चलता है, मजे हो गए। भगवान गए एक बार दादाजी से मिलने, उनको जॉब मिली थी, सोचा दादाजी को मिलना है फिर नौकरी पे जाना है 2 दिन बाद। एक रात के लिए गए दादाजी किसी शहर में थे, एक साड़ी पहन गए एक ले गए, कल तो वापिस आना है। नौकरी तो दादाजी ने नहीं करने दी, 6 महीने रहा और दिया। भगवान हमेशा बताते थे वो सबसे रिलैक्सिंग ट्रिप था मेरा, क्योंकि एक साड़ी जो पहनी हुई है वो सवेरे धो के बाहर सुखा दी, दूसरी पहन ली, था ही नहीं सामान, टेंशन ही नहीं थी। न्यूनतम में आनंद है। हम लोग भगवान के साथ गए एक बार, यहाँ से दिल्ली आए हुए थे तो जयपुर का प्रोग्राम बन गया, बोले 2 दिन के लिए चलना है। 2 दिन भी क्या, आज का दिन चलेंगे, कल का दिन रहेंगे, परसों वापस आना है, एक एक जोड़ा ले लो। एक एक जोड़ा उठा के हम लोग चले गए, वहाँ लंबा हो गया प्रोग्राम, फिर आगे जोधपुर का, अजमेर का, ऐसे बन गया, फिर लौट के जयपुर आए। 18 दिन लग गए, शायद उससे भी ज़्यादा लगे थे, 18 तो पक्का ही याद है मुझे थे। अब किसी के पास हमारे पास सामान नहीं, इवन उनके अपने पास भी नहीं था। चलो उनका तो फिर अरेंज कर लिया गया, क्योंकि रोज़ सत्संग था, बॉम्बे से भगवान आए हुए थे तो अच्छा सा नहीं लग रहा था, उनका तो लिया गया वहाँ पर। पर हम सारे अपना, जब बोला जोधपुर जाना है सुबह तैयारी कर लो, सबने कहा तैयारी किस चीज़ की, एक पॉलीथीन ही तो है हमारे हाथ में, चलिए भगवान मज़े से चलो। रोज सवेरे नहाने लगते थे, वो जोड़ा धो के डाल दिया, फिर दूसरा पहन लिया, फिर वो धो दिया, फिर वो पहन लिया, सारा ट्रिप यही करते रहे, हल्के, कोई टेंशन ही नहीं, ना बैग है ना चीज़ है, वही कपड़े भी फटाफट सुबह 5 बजे ही सुखा देते थे, वॉक पे जाना होता था दो नहा लिए, पता नहीं होता था प्रोग्राम, जब तक सत्संग का वक्त होता था 9:30 जाने का, गर्मी इतनी थी सूख जाते थे, वो भी लपेट के गाड़ी में डाल दिए, जहाँ मर्जी चलो, जहाँ मर्जी रात हो जाए, जहाँ मर्जी जो हो जाए। अभी भी कहीं चले जाओ तुम, ट्रेन में, इधर उधर, बसों में क्या लिखा रहता है? कम सामान,
क्या होता है, सफ़र आसान। जिसका कम सामान होता है, अभी टूर पे भी चलते हो, जिनके पास कम सामान होता है वो अपना एक बैग कहते हैं हमारा तो यही बैग है, हम तो उठा के चल रहे हैं, और जो ले जाते हैं एक अटैची भी है एक बैग भी है, दूसरों की डांट भी खाते हैं, अब इतना सामान क्यों ले आई आंटी। अब आंटी खुद भी नहीं चल सकती, सामान भी ज़्यादा है, क्यों आंटी को अटैची भी है बैग भी है आंटी का पर्स भी तो है और कंधे पे आंटी के शॉल भी है, हो गई मुसीबत। प्रसाद लेती जाएगी, प्रसाद लेती आएगी, बंदा बंदा टोकेगा, आप यहाँ डेरे लगाने आए थे, आप यहाँ रहने आए थे, है ना। तो कम सामान वाला उसका सफ़र आसान होता है। जिंदगी का सफ़र किसका आसान है, जिसके पास आसक्ति का सामान कम है। जितना आसक्ति का कम सामान है जिंदगी का सफ़र बहुत आसान है, जहाँ मर्जी निकल जाओ, रोज चले जाओ जहाँ, क्यों एक जगह आसक्ति नहीं है, रहने के स्थान में ममता का अभाव, कभी होता ही नहीं किसी जगह जाके दूसरी जगह की याद आ जाए, आती ही नहीं, लगता ही नहीं। लोग कहते अपना घर ध्यान आता है, आता ही नहीं, जहाँ बैठ जाओ वही घर लगता है, और छोड़ आओ तो अपना घर बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या मज़ेदार बात है, रहो तो ऐसे लगता है सब हमारा। दादा ने कहा था, ये अनुभव करा दिया कि जहाँ रहो तो ऐसे होके रहो जैसे सब मेरा, और जाने लगो तो कुछ नहीं मेरा, करा दिया उन्होंने ऐसा। जहाँ मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी सुखों में रह जाओ, हाँ सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा है, पीछे का याद नहीं आता, ऐसे लगता है नया सुख मिल गया कोई। जब निकलने लगो मुड़ के ऐसे गर्दन घुमाने का भी दिल नहीं करता कि कुछ छोड़ के जा रहे हैं, अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ की अपनी मौज है, दरअसल ये है मौज अपने साथ है, आनंद अपने साथ है कोई टेंशन फिर। ये जो आसक्तियाँ हैं ना, इन्होंने सफ़र भारी किया हुआ है जिंदगी का, इच्छाएं हैं वासनाएं हैं, इन्होंने जिंदगी का सफ़र भारी किया हुआ है, वरना तो सफ़र बहुत आसान है। बड़ा आसान है जिंदगी का सफ़र, कैसे, तुमको रहबर बना लिया मैंने, तुमको रहबर बनाया तुम्हारे साथ चलते हैं, बहुत बढ़िया। इतना बिजी कर दिया गुरु ने अपने साथ, कहीं का कहीं याद करने का टाइम नहीं। कहीं से आते हैं तुम लोग, याद तो करते हो बैठ के, ये ट्रिप अच्छा था वहाँ ये, हम लोगों के पास वो भी टाइम नहीं कि कहीं से आओ, अभी तो इतने दिन बाद तो आए हैं, पहले ही पब्लिक हमला करने के लिए खड़ी रहती है, फिर इधर जाने का है उधर जाने का, इस एरिया में बड़े आने के बाद याद ही नहीं रहता हम कहीं से होके भी आए। लोगों को चार दिन तो लगते हैं पुराने होने में, हम लोगों को एक दिन भी नहीं लगता, रात को पहुंचो सुबह तो याद भी नहीं होता कुछ पिछला, क्योंकि सुबह नए दोस्त हैं, नई बातें हैं, नए लोग बैठे हैं। अच्छा हो गया जिंदगी का सफ़र, पता ही नहीं कौन कौन से स्टेशन पार होते जा रहे हैं, और ऐसे ही लगता है एक दिन जिंदगी का सफ़र पूरा हो जाएगा आराम से, मालूम ही नहीं पड़ेगा। लोग बेचारे कहते हैं बड़ी हार्डशिप्स हैं, हार्डशिप्स कहाँ हैं, हार्डशिप्स दिमाग के कारण हैं, हार्डशिप्स अपने इच्छाओं के कारण हैं, वरना हमारा शिप तो बड़े आराम से चल रहा है, कोई हार्डनेस से नहीं चल रहा, इतना अच्छा चल रहा है ये जहाज, लहरों की मौज लो, क्या दिक्कत है। विलायत तक घूम आए, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी, नई बात है कोई, नथिंग न्यू, वही सत्संग है, वही भजन है, वही सब प्रेमी हैं, मौजी मौज है। तो अगर अपने में नहीं खोजोगे ना ये आनंद, तो तुम इस होड़ में लगे रहोगे, और इस होड़ में और दौड़ में हारी है जीत तो है नहीं किसी की, क्योंकि जिंदगी पूरी हो जाती है, तृष्णाएं पूरी होती नहीं, दिक्कत ये वाली है। ये तृष्णा का पेट कैसा है, ना ढापन वाला, बड़ा पेट हो जाए ना किसी का तो जो चीज़ भी पहने ढक नहीं पाता, बनियान भी ऊंची हो जाती है, टी शर्ट भी ऊंची हो जाती है, बड़ा पेट है अभी ना ढापन वाला, अब ढका ही नहीं जाता, ये तृष्णा का पेट है ना ढापन वाला, ढका ही नहीं जाता किसी चीज़ से, फिर उघड़ जाता है, फिर उघड़ जाता है, फिर उघड़ जाता है। आप भय बुढ़े, तृष्णा भई जवान,
आप इंसान बुढ़ा हो जाता है, तृष्णा जवान हो जाती है, और चाहिए। बोला ससुरा मेरा 80 बरस का सासू निपट कवारी। ससुरा माना शरीर ही हो गया 80 बरस का, सास कहती है मैं तो कुंवारी हूँ, मतलब तृष्णा कहती है मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। कितनों के मुंह से तुमने सुना होगा, सारी जिंदगी बिता बैठे कहेंगे हमने कुछ देखा ही नहीं। देखा नहीं तो भैया इतनी जिंदगी कैसे बीत गई तुम्हारी, कैसे बीत गई। पहले औरतें होती थी ना, 8-8 बच्चे हो गए, कहती थी मेरे को सच्चा प्यार आज तक नहीं मिला, तो भाई ये 8 कहाँ से आए, किसका परिणाम है ये। एक दूसरे को दुखड़े सुनाया करती थी, भले मेरे 8-8 बच्चे हो गए पर मुझे प्यार सच्चा आज तक नहीं मिला। ये हालत है तृष्णा की कि उसको कितना ही मिल जाए लगता है कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। पता नहीं क्या देखना है, क्या पाना है, किससे रजेंगे। और इस ज्ञान की भी शर्त है ये राजयोग है। राजा माना रजा हुआ, अगर आपकी तृष्णा रजी नहीं ना, आप इस ज्ञान के योग्य नहीं हो पाओगे। यहाँ संतोषी की जीत होती है, असंतोषी यहाँ अधिक समय नहीं टिक पाएगा। यहाँ भी रजा हुआ व्यक्ति चाहिए जो अपने भक्त भाग में बहुत खुश हो गए, और हो सकते हैं जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनमें भी राजाई ढंग से चल सकते हैं, पर और पाने की हवस में ना जो है हम उसका भी भरपूर इस्तेमाल नहीं करते, परेशान रहते हैं। एक गरीब बच्चा स्कूल जाता है, उसकी शक्ल सूरत ड्रेस ही बताती है गरीब है, पर कोई कोई देखो माएँ बड़ी संस्कारी होती हैं, बच्चे को इतना अच्छा ड्रेसअप करके भेजती हैं, साफ कपड़े पहना के अच्छे से कंघी करके, कि लगता है बच्चा किसी शालीन घर का है। ये फर्क है, जीना हमको आना चाहिए, साधनों की बात नहीं होती, जीना हमको आना चाहिए। जो है आप उसमें भी बहुत अच्छा चल सकते हैं अगर आपको चलना आए, और जब आपको जीने ही नहीं आ रहा तो जितना मर्जी ईश्वर दे देगा आप तो वहीं रोते ही रह जाओगे। और जब तक ये सब चलेगा आत्मा का ज्ञान आपसे दूर है, आपके अंदर आत्म विचार नहीं चलेगा। जो मन के साथ बिजी है वो आत्म ज्ञान की साधना कब करेगा। मन से ये खत्म होनी चाहिए जत्थोजहद सारी, एक निश्चय आ जाना चाहिए, मन से किनारे हो जाओ, बातों से किनारे हो जाओ, व्यर्थ के ख्यालों से किनारे हो जाओ, और फिर अपने में ध्यान लगाओ। आत्मा का आनंद कब लोगे, सारा समय बस ये मन से फाइटिंग चलती रहेगी, क्या यूज़ है इसका, कोई यूज़ ही नहीं। ज्ञानी को किसी ओढ़ में शामिल ही नहीं होना, क्या करना है। इवन चलते चलते निष्काम में भी समझ आ जाता है, बहुत रेयर कोई होता है मत पर जो मेरी मत पे चलेगा, बाकी सब तो अपनी मत से चलने वाले बहुत, उसकी भी टेंशन खत्म हो जाती है, ये भी कोई होड़ नहीं। कोटन में को एक नारायण जयचित, कोई निकलेगा लहना जो पूरा गुरु नानक पे जाएगा, बाकी तो किसी को कोई माया प्यारी, किसी को कोई माया प्यारी। ज्ञानी को उस होड़ में भी नहीं शामिल होना है, क्या करना है? कोई विरला होगा जो ज्यों का त्यों मुझे कैच करेगा, ज्यों का त्यों। मुश्किल वो होता है, अब बाबा बुड्ढा आधा क्यों रह गया, वो थोड़ी बुद्धि चलाता था, थोड़ी उनकी सुनता था, लहना उनका रूप क्यों हो गया मत पर, सिर्फ उनकी मत पे चलता था, उसने ये भी नहीं ध्यान दिया ज्ञान क्या कहता है, फलाना क्या, जो मेरे गुरु को पसंद है, जो मेरे गुरु, वो उनकी मत पर चलता रहा, पार हो गया। मत पर जरूरी है ना, संत ने बोला पैसे नहीं है नाव पार करने के, पर मेरा नाम लेता मेरे पीछे चलता, गुरु का नाम था बताऊं,
शिष्य ने देखा गुरु भी कुछ कह रहा है, बताऊं बताऊं कह रहा, आधी नदी पार कर गया, थोड़ा पास होके सुना गुरु जी कह रहे थे अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ, कहता हाय मेरे को कहता है बताऊं, और गुरु जी खुद कहते हैं अल्लाह हूँ, मैं भी अल्लाह बोलूँगा, जैसे ही बोला अल्लाह हूँ डूबने लगा, गुरु जी मरा, बोला मंत्र तो नहीं बदला, बोला हाँ, बोला बोल बताऊँ, पार हो गया, कहते हैं गुरु जी मैं अल्लाह बोल के क्यों डूबा, बोला तेरा अल्लाह तो मैं ही हूँ ना, तू कौन से अल्लाह को याद कर रहा था, तेरा गुरु तेरा अल्लाह है, तो ये फर्क हो जाता है, मत पर चलना जरूरी है, मन कहेगा बीच में चलते चलते मैं भी अल्लाह बोलूं, क्योंकि गुरु अल्लाह बोलता है, गुरु अपने को आत्मा बोलता है, मैं भी बोलूं, मैं भी गुरु की बात क्यों करूं, मैं गुरु की महिमा क्यों करूं, मैं तो ज्ञान बोलूं, मैं तो ज्ञान की बातें करूं, करो बीच नदी में डूबने वाले हो, तो मत पर चलना जरूरी है, बोला तू बताऊं बोल के ही तरेगा, अल्लाह तेरे को डुबाएगा, तो इसलिए ज्ञानी को उस होड़ में भी नहीं जाना, क्योंकि कोई विरला होता है जो ज्यों का त्यों समझता है बात को, बाकी सब किसी ना किसी माया में घिरते हैं, यूजलेस, ना बाहर की ओर ना भीतर की ओर, ना सकाम की ओर ना निष्काम की ओर, कोई मनने ना मनने मेरा सतगुरु राजी है बस। और तुमको पता है जो भक्ति में लगता है वैसे ही फकीर होके चलता है, क्योंकि पोजीशन रखेगा तो भक्ति छूटेगी, भक्त फकीर मिलेगा, तो मैं मीरा महल छोड़ के मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, फकीर हो गई हूँ, फकीर माना नॉन पोजीशन, किसी चीज पे दावा नहीं, वो भक्त हो सकता है। तो अपने मन को भक्ति में लगाओ, ज्ञान में लगाओ, एक निश्चय करके चीजों को किनारे कर दो, अब रोज रोज ये विचार नहीं करने पड़े, निष्ठा समझ आ जाए बस काम बन जाएगा। हैं